जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक और ब्यूटीफुल डे आपके एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलर व्हील से रिलेटेड ही, कलर क्रिएटिंग से रिलेटेड ही। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्शन क्रिएट करना सिखाया था कि कैसे आप फ्लैश पैलेट के इन क्रीम के साथ, ह्यू कलर्स के साथ स्किन कलर क्रिएट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो पेपर पे करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं भी कर रही हूँ, तो मे बी शायद वो स्किन वाला रिजल्ट ना आए, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो वीडियो में अच्छे से सारी टेक्निक को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके आप मुझे पूछिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कंसीलिंग कैसे करनी है, कवरेज कैसे करनी है, वो कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट, कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आने वाली क्लास में आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्शन क्रिएट करना बताया था, फाउंडेशन कलर क्रिएट करना बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए, तो आपको आज की क्लास भी अच्छे से क्लियर होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्किन प्रॉब्लम के कलर कौन से होते हैं। तो जितने भी आप फेयर कलर देख रहे हैं, उन फेयर कलर के बाद जो भी आपको डार्कर कलर नीचे बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो हमारे नेचुरल स्किन के डार्क कलर होते हैं, ये हमारे स्किन प्रॉब्लम कलर होते हैं। तो आपने देखा होगा स्किन पे टैनिंग हो गई, ब्लेमिशिंग हो गई, डार्क स्पॉट हो गया, वो मोस्टली हमारे इन कलर्स में ही होता है। तो इन कलर को हाइड करने के लिए अगर मैं फेयर कलर से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, मैं लास्ट जो हमारा वेरी फेयर कलर है उसको नहीं ले रही हूँ। अगर वो वाला स्किन आपके पास मिलता है तो उस पर आप सेम आइवरी कलर का बेस लगाएंगे तो आपका बन जाएगा, बट उससे ज़्यादा जो डार्कर नेचुरल स्किन कलर हमने देखा था उसको कवर करने के लिए हम मोस्टली अपने एशियन स्किन पे वार्म कलर फाउंडेशन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आइवरी कलर यहाँ पर क्रिएट किया है और उससे मैं अपना जो नीचे वाला शेड है, यानी कि जो हमारा मीडियम फेयर कलर है, उसको कवर कर रही हूँ और वो काफ़ी हद तक फेयर हो गया है जो हमारा अपर कलर है। तो यानी कि आपको अगर मीडियम फेयर स्किन मिलती है तो उसको फेयर करने के लिए आप इस तरीके से और उसको फेयर कर सकते हो। उसमें आप हल्का सा पिंकिश टोन देने के लिए इस तरीके से डैप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी नेचुरल फेयर ये बन गया है और ये कॉन्सेप्ट आपका बनता है लाइट पिगमेंटेशन के लिए, लाइट कवरेज के लिए, यानी कि स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और स्किन फेयर है तो आप इतने कलर से ही कवर कर सकते हैं। उसमें आपने सिर्फ येल्लो और हल्का सा रेड मिक्स करना है और आपका ये कलर बन जाएगा। तो ये हमारा कंसीलर या कंसीलर फाउंडेशन, कंसीलर बेस, आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। उससे ज़्यादा डार्क मीडियम के लिए आप हल्का सा पिंक और मिक्स करेंगे, रेड मिक्स करने के बाद पिंकिश में बन जाता है। इसमें हम हल्का सा वाइट और मिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें फेयर करना है, तो हमारा जो नेचुरल फेयर स्किन है उस कलर को कवर करने के लिए हमें एक परफेक्ट शेड मिल जाता है। बट हमने येल्लो टोन थोड़ा सा और ऐड करना है क्योंकि आपको पता है हमारी जो एशियन स्किन होती है वो वार्म टोन में होती है, तो ये इसको बहुत अच्छे से कवर कर देता है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने सिर्फ वार्म टोन यानी कि येल्लो टोन या ऑरेंज टोन थोड़ा सा बढ़ाते जाना है और जितना फेयर करना चाहते हो उतना वाइट कलर मिक्स करते जाइए और आप किसी भी कॉम्प्लेक्शन को फेयर कलर में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर पे ही मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से फेयर कलर ये बन चुका है। तो ऊपर वाले कलर को भी मैं और फेयर कर देती हूँ क्योंकि नीचे मैंने वाइट मिक्स किया था, तो ये काफ़ी हद तक हमारे आइवरी के शेड में आ जाता है। इस तरीके से आप अपनी मीडियम स्किन प्रॉब्लम्स को हाइड कर सकते हैं। आते हैं हम अपने विटिश कलर पे। अगर आपको अपना विटिश कलर हाइड करना है, यानी कि अगर आपके फेयर कलर में आपको विटिश कलर का स्पॉट दिख रहा है, पिगमेंटेशन दिख रही है, तो उसको हाइड करने के लिए आपने ऑरेंज कलर लेना है। तो यहाँ पर रेड येलो को मैं मिक्स कर लेती हूँ, रेड येलो मिक्स करने से ये ऑरेंजिश बन जाएगा और अपने फेयर फाउंडेशन में आपने इसे मिक्स करना है और ये आपका बन जाता है कंसीलर। कंसीलर बोल सकते हो, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे कंसीलर बेस बोल सकते हैं क्योंकि स्किन कलर के साथ ही होता है तो काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। तो इस ऑरेंजिश टोन यानी कि ऑरेंज कलर के फाउंडेशन के साथ जब आप इसे कवर करेंगे तो काफ़ी हद तक यह मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब आप इसे स्किन पे करते हो तो आप एक कोट के बाद थोड़ा सा रुक के उसको सेटल डाउन होने के बाद दोबारा से एक और कोटिंग दे सकते हैं। पहले आपने डार्क ही रखना है, देन आपने उसमें वाइट मिक्स करके यानी कि फेयर कलर देना है। तो आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो वो ब्राउन स्पॉट है यानी कि विटिश कलर तक का अगर कोई स्पॉट है वो डार्क स्पॉट मिनिमाइज हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो जितना कवरेज आप देते रहेंगे
उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे आप लोगों ने पूछा था कि फ्लैश पैलेट से क्या हम फेस पे बेस बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हो, बट इसका कवरेज मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता, यानी कि पिगमेंटेड तो है बट जो एक डिज़ायर हमारी स्किन को कवरेज की ज़रूरत पड़ती है वो समटाइम आपको नहीं मिल पाता है। तो अगर आप चाहते हो तो आप इससे एज न्यूट्रलाइजर कंसीलर यूज़ कीजिए, और हाई कवरेज के लिए आप अपने फुल कवरेज जो फाउंडेशन, पिगमेंटेड फाउंडेशन जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे हमारे पेंटिस्टिक हो गया, हुडा ब्यूटी लिक्विड फाउंडेशंस हो गए, वो आप ले सकते हो। नाउ डार्क कलर, अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट है यानी कि ब्राउन कलर का स्पॉट है तो बेस आपका वाइट ही रहेगा, उसमें आप हल्का सा ब्राउन मिक्स करेंगे, येलो ऑरेंज हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि ऑरेंज प्रॉपर हमने यहाँ पर लेना है, ऑरेंज बनाना है अच्छे से, और उसे अपने वाइट के साथ मिक्स करना, और उसमें हम हल्का सा ब्राउन भी मिक्स कर सकते हैं। ब्राउन मिक्स करने से आप इसमें रिजल्ट देखेंगे तो आपको एक नेचुरल कवरेज मिलता है। आप डायरेक्ट न्यूट्रलाइजिंग भी कर सकते हैं, तो मैंने पहले डायरेक्ट रेड ऑरेंज से न्यूट्रलाइजिंग कर दी है, नाउ मैं इसे वाइट के साथ मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद ये मेरा एक कंसीलर बेस बन जाता है, और क्योंकि ये ब्राउन साइड का है तो हल्का सा हम इसमें ब्राउन भी मिक्स करेंगे, सो दैट आपको सिंपल सा फंडा है कि एकदम से अगर आप डार्क पे फेयर लगाएंगे तो मे बी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, तो आपको बीच में सेम स्किन कलर का ही पिगमेंट रखना होगा। अगर ब्राउन साइड में स्किन प्रॉब्लम है तो आपको पहले ब्राउन साइड उसके ऊपर देना होगा। तो यहाँ पर मैं ब्राउन के ऊपर न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद एक स्किन ब्राउन कलर का ही बेस लगा रही हूँ, सो दैट कि वो एक अच्छी सी कवरेज आ जाए। अब मुझे इसे लिफ्ट करना है तो मैं सिस्टमेटिकली धीरे धीरे इसको लाइटर कर सकती हूँ। तो लाइटर करने के लिए यहाँ पर सिर्फ मैंने वाइट मिक्स किया है और उसे अच्छे से ब्लेंड किया, और नाउ मैं इसके ऊपर टैप कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो पेपर पे ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। ये सेम रिजल्ट आपको स्किन पे मिलता है जब आप स्किन पे भी काम करते हो, और स्किन पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेपर पे तो फिर भी जो क्रीम प्रोडक्ट है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता जल्दी से, पर स्किन पे ये बहुत जल्दी सेटल हो जाता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे स्किन को वाइट कर सकते हो, यानी कि अगर आपकी स्किन पे कोई डार्क ब्राउन स्पॉट है तो इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली उसे हाइड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा डार्कर ब्राउन स्पॉट। अब मैं जैसे आपको स्पॉट्स को कवर करना बता रही हूँ, वही कॉन्सेप्ट आपने अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन पे भी यूज़ करना है, यानी कि आपका कई बार पूरा कॉम्प्लेक्शन ही इतना ब्राउन होता है तो उसको भी आप कैसे धीरे धीरे लाइट कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी सेम चलेगा। यानी कि डार्कर स्किन को भी आपने फेयर करना है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर मैं रेड ऑरेंज के साथ ब्राउन को मिक्स कर रही हूँ अपने ब्राउन स्पॉट को कवर करने के लिए। तो ये दोनों में ही सेम चलेगा, कितना भी ब्राउन कलर होगा ईजीली आपका ये इस डार्क ब्राउन कलर से मिनिमाइज हो जाएगा, और आपका जो स्किन कलर फेयर बेस होगा उसके अंदर भी आपने ये ब्राउन ऑरेंज मिक्स करना है, और उससे आपने स्किन प्रॉब्लम को हाइड करने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से आप मिनिमाइज कर टैपिंग करते हुए हल्का सॉफ्ट लेयर क्रिएट करते हुए जब देंगे तो आपका जो ब्राउन स्पॉट है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। आपने डायरेक्टली उस पर फेयर नहीं लगाना, फेयर करना है तो धीरे धीरे आप उसे फेयर के साइड ले जाएंगे। एकदम से आप फेयर करोगे तो वो आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है, ग्रे हो सकता है, चाहे आप कॉम्प्लेक्शन पे काम कर रहे हो चाहे आप ब्राउन स्पॉट पे काम कर रहे हो। अब मैं इसे आइवरी टोन तक फेयर दे रही हूँ, तो यू कैन सी कि ये इजीली कवर हो रहा है धीरे धीरे करके, और आप जितना मर्जी अपने डार्कर ब्राउन कलर, डार्कर कॉम्प्लेक्शन को फेयर भी कर सकते हो, बट नेचुरली कैमोफ्लाजिंग बेस में हम लोग कोशिश करते हैं किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो हम उसको इतना फेयर नहीं करते हैं, बट फेयर स्किन पे अगर ब्राउन स्पॉट है तो उसको आपने कैसे कवर करना है वो टेक्निक यहाँ पर आपको क्लियर हो रही होगी। अब इसे धीरे धीरे हम और फेयर करते हुए जा सकते हैं। कोई भी ब्राउन स्पॉट या डार्क कॉम्प्लेक्शन को अपने फेयर करना है तो आपने उसमें थोड़ा सा वार्म टोन मिक्स करके वाइट के साथ ब्लेंड करना है, और धीरे धीरे आपने उसे अपलिफ्ट करना है, यानी कि अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन पे भी काम कर रहे हो तो भी आप उसे धीरे धीरे फेयर करते हुए कवर करेंगे। आपने एकदम से उस पर फेयर कलर नहीं लगाना, तो आप यहाँ पेपर पे भी देख सकते हो मैंने पहले डार्क ब्राउन के ऊपर डार्क ऑरेंजिश ब्राउन कलर लगाया, अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट कलर लगा रही हूँ, एंड देन आइवरी कलर। नेचुरल फेयर आप मीडियम शेड आप बोल सकते हो, मीडियम कलर हम लगाएंगे और उसके बाद हमने फेयर कलर लगाना है। तो इस तरीके से हम अपने बेस को फेयर कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका जो एप्लीकेशन टेक्निक है वो भी अच्छा नहीं होता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैं पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा पाउडर लॉकिंग करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप इसे फेयर कर सकते हो तो कितना फेयर कर सकते हो। अब लॉकिंग करने के बाद जब आप इस पर फेयर कलर लगाओगे तो वो फेयर कलर भी आपका ईजीली आपकी प्रॉब्लम को हाइड कर देगा। रियल स्किन पे भी आप चाहो तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फेयर करने के लिए ले रही हूँ अपना, मतलब बेसिकली मुझे आइवरी कलर ही बनाना है, पर मैं हल्का ब्राउन बीच में रखूँगी सो दैट ये स्किन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ब्राउन, वाइट,
प्लस येलो और हल्का सा आप रेड ले सकते हो ऑरेंज टोन मेंटेन रखने के लिए, बट आप देख रहे हो ये बिल्कुल आइवरी कलर बन गया है, तो इसे मैं अपने इस डार्क कॉम्प्लेक्शन पे लगाऊंगी तो ये इजीली कवर हो जाएगा। बट एप्लीकेशन टेक्निक का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एप्लीकेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप कोटिंग कर रहे हो यानी कि आप लेयर कर रहे हो, कवरेज कर रहे हो, तो आपने बहुत सॉफ्ट एप्लीकेशन देना है। आप एक लेयर फॉर्म में एप्लीकेशन देते हो तो वो प्रॉपर कवरेज आपको क्रिएट करके देता है। बट आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इस तरीके से बेस दे रहे हो यानी कि एक डार्क कॉम्प्लेक्शन को, डार्क स्पॉट को फेयर कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट फेयर ना देके पहले उसे मीडियम टोन रखें। तो यहाँ पर मीडियम टोन क्रिएट करने के लिए इसमें ऑरेंज रेड मतलब येलो और रेड मैंने मिक्स किया तो वो ऑरेंज टोन ही बनेगा, और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं पहले मीडियम कलर दूंगी। तो मीडियम कलर देने से क्या होगा, एक लेयर बीच में आ जाएगी हमारी, और उसके बाद हम इसे फेयर करेंगे तो उसका फेयर और अच्छे से दिखेगा और वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है, जब हम डार्क कॉम्प्लेक्शन को या डार्क स्पॉट को एकदम से फेयर करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको अक्सर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर से ही हल्के से सॉफ्टली टैप कर रही हूँ सो दैट मुझे एक अच्छे से कवरेज मिल जाए, और उसके बाद मैं इस पर फेयर करूँगी तो उसका फेयर बहुत अच्छे से लास्ट करेगा। तो इस पर आप डायरेक्ट अपना फेयर हाई कवरेज वाला पिगमेंटेड फाउंडेशन दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको फ्लैश पैलेट से ही आइवरी कलर बना के यानी कि फेयर कलर बना के दिखा रही हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने पहले जैसे बनाया था येलो और अपना वाइट मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड किया मैंने इसे, मुझे एक डिज़ायर आइवरी कलर चाहिए। तो जब तक आपको डिज़ायर आइवरी कलर ना मिले, फेयर कलर ना मिले, जो एक्यूरेट हमारा एशियन फेयर स्किन का कवर कलर होता है वो क्रिएट करना है अपने, और वो इस पर टैप कर देना है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लेक्शन को लिफ्ट करते हो। तो मैं यहाँ पर जो तीनों ही प्रॉब्लम है उनको एक साथ कवर कर रही हूँ, और आप कवरेज देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये फेयर हो गया है। तो आप बीच बीच में चाहें तो पाउडर लॉकिंग और कर सकते हो और फेयर करने के, मतलब जब आप स्पॉट्स को धीरे धीरे लाइट करते हो ना, तो आपको ज़रूरी होता है कि आप उसे धीरे धीरे ही लिफ्ट करें, आप एकदम से वाइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब धीरे धीरे लिफ्ट करोगे तो, और अगर एक्चुअली में किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन पर काम करें तो उसके लिए, तो अगर उसके डार्क ब्राउन स्किन है उसके लिए इतना फेयर भी बहुत होता है। तो एक बार हम एक कोटिंग और कर लेते हैं, फेयर लगा देते हैं। अब आप सोचोगे कि रियल स्किन पे भी इतनी कोटिंग देनी पड़ेगी, तो ये फ्लैश पैलेट का क्रीम कलर है, और फ्लैश पैलेट का जो ये क्रीम कलर है ये काफ़ी HD क्रीम है, यानी कि ये थिन और फाइन होती है, माइक्रो पिगमेंट इसके अंदर होते हैं, तो इसका कवरेज थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए मुझे इतनी सारी लेयर देनी पड़ रही है। अदरवाइज आप प्रोफेशनल हाई पिगमेंटेड फाउंडेशन के कलर ये लेते हो तो वो एक बार में बहुत अच्छे से कवरेज आपको दे देता है, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट यहाँ पर हमें कलर समझने हैं, अच्छे से कलर के कॉन्सेप्ट को समझने हैं, इसलिए मैं आपको पूरा आइवरी कलर बना के और धीरे धीरे उसे लिफ्ट करना सिखा रही हूँ, तो जिससे आपको कलर कॉन्सेप्ट, आपको पिगमेंट का जो फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं वो क्लियर हो जाएगा। और इस पर एक मैं लेयर क्रिएट करूँगी तो ये आप देखोगे तो बिल्कुल फेयर हो जाएगा। आप ऐसे लेयर देते हो तो ये बहुत अच्छे से कोटिंग कर देता है आपकी स्किन पे। बट अगर आप इसे रब करोगे, इनकेस आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन सही से नहीं करी, तो ये आपका फेयर नहीं होगा और वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन की कोटिंग देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बट आप बहुत ज़्यादा हार्डली करते हो तो आपका जो नीचे के शेड होते हैं वो ऊपर आ सकते हैं। तो ये ऐसे आपने रब नहीं करना, मैं एक बार रब भी करके आपको दिखा रही हूँ सो दैट आप देख सको कि जब हम रब करते हैं तो वो नीचे वाला पिगमेंट या डार्क स्पॉट है वो अगेन आपका विजिबल हो जाता है। तो आपने रबिंग नहीं करनी है, रबिंग करने से आपके जो मतलब आपने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को सॉफ्टली प्लेस करना है, आपने नीचे वाले पिगमेंट को या डाउन साइड वाले कलर को ऊपर नहीं आने देना होता है, अदरवाइज वो इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये स्किन के ऊपर तो काफ़ी अच्छे से लेयरिंग हो जाता है, पेपर के ऊपर मैंने रबिंग करके दिखाया तो आपको वो डार्क स्पॉट अगेन दिखने लग गया। नाउ हमारी यूरोपियन स्किन, तो यूरोपियन स्किन का जो पिंक फेयर कलर है उसको तो आप एज इट इज़ रख सकते हो, यानी कि वाइट एंड पिंक को मिक्स करके आप उनका बेस बनाएंगे, या आप उनको आइवरी कलर का फाउंडेशन भी दे सकते हो तो काफ़ी हद तक कवरेज अच्छी आ जाती है। कूल टोन के फाउंडेशन हम ज़्यादातर उनके लिए रखते हैं, और उनकी स्किन में कवरेज के लिए हल्का सा हमें ब्लू मिक्स करना होता है, थोड़ा पर्पल साइड में हम चले जाते हैं जब हमने उनके स्किन के येलो टोन को मिनिमाइज, यानी कि ऑरेंज रिफ्लेक्शन जैसे आप देख रहे हो पीच कलर का है उनका नेचुरल फेयर पे, इसको मिनिमाइज करना है। येलो जो पेल इफेक्ट स्किन होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको पर्पल न्यूट्रलाइजर की जरूरत पड़ सकती है, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये पर्पल न्यूट्रलाइजर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, रेडीमेड मिलते हैं। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं पर्पल का क्या यूज़ है, तो इंडियन स्किन पे हमें पर्पल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। समटाइम हल्दी लगती है जैसे ब्राइड को, तो उसके बाद पर्पल न्यूट्रलाइजर लोग यूज़ करते हैं, बट हमें इतना ज़्यादा जरूरत नहीं होती, हमारे हाई पिगमेंटेड फाउंडेशन से कवर हो जाता है। नाउ रेड ऑरेंज मिक्स किया मैंने, मतलब ऑरेंज मैंने बनाया और उसके अंदर मैंने वाइट मिक्स कर दिया, और इसको मैं नेचुरल फेयर रखते हुए हल्का हल्का लिफ्ट करूँगा। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अपने एशियन स्किन के लिए किया था वही कॉन्सेप्ट मैं यूरोपियन स्किन के लिए भी कर रही हूँ।
मैं इसके लिए डायरेक्ट अपना फेयर नहीं बना रही, मैंने उसमें येलो और रेड को मिक्स किया ताकि वो ऑरेंजिश में रहे और मुझे जितना फेयर करना है उतना मैं इसको धीरे धीरे लिफ्ट करते हुए दे सकती हूँ। यानी कि जो मैंने ऊपर पिंक कलर बनाया था वाइट और पिंक को मिक्स करके, आप डायरेक्ट वो भी दे सकते हो। येलो मिक्स करना चाहते हो तो येलो के साथ आप इसको फेयरर रिफ्लेक्शन दे सकते हो। तो नाउ कैन सी, ये थोड़ा सा हमारा आइवरी टोन में आ जाता है और ये टोन उन लोगों को अच्छा लगता है। अब इसमें आप पिंक देना चाहते हो तो पिंक अलग से ऊपर से डिपॉजिट यानी कि हल्का सा डैप कर सकते हो। तो ये इनका डार्कर पिगमेंट कवर हो जाता है इजीली, और इसको भी फेयर करने के लिए आप अगेन वही वाइट और पिंक को मिक्स करके बना सकते हो। तो इसे भी कवर करने के लिए सेम हमारा जो बेस है ऑलिव जो होता है उसको मिक्स कवर करने के लिए हम सेम बेस ले सकते हैं। बट ये थोड़ा डार्क स्पॉट था तो हम इसमें रेड ऑरेंज को हल्का सा और मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। जब हम प्रोफेशनल बेस की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी ग्रे ना हो, तो हम हल्का सा कंसीलिंग पर्पज से रेड ऑरेंज को हमेशा ज़्यादा रखते हैं। और फिर उसके बाद अगर हमें फेयर देना है तो हम धीरे धीरे उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो यूरोपियन स्किन पे भी आपको रेड ऑरेंज यानी कि ऑरेंज टोन की तो रिक्वायरमेंट रहती ही है जब आप डार्क से लाइट साइड में जाना चाहते हो और आपने डायरेक्ट फेयर नहीं देना। अब मैं फेयर कर रही हूँ तो हम धीरे धीरे फेयर करना स्टार्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी काफ़ी हद तक लाइटर हो गया है और जितना हम फेयर करना चाहते हैं हम वाइटिश तक भी इसे ले जा सकते हैं, हमारी चॉइस है। बट हमने अंडर टोन में इनको हल्का सा पर्पल और जो फाउंडेशन कलर है वो थोड़ा सा वार्म में रखते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करना है। और इसको कूल टोन बनाने के लिए हम पिंकिश फाउंडेशन यानी कि पिंक वाइट को हल्का सा ऊपर से डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि ये इन उनके नेचुरल स्किन में जाते हैं। यहाँ पर रेड डायरेक्टली मैं ब्राउन के ऊपर कर रही हूँ, तो अगर आपको लगता है किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्राउन इफेक्ट है यानी कि नाइजीरियन स्किन है, तो आप ऑरेंज ब्राउन यानी कि रेड ब्राउन सॉरी कलर लेंगे और उसको उसको टैप कर देंगे। सेम अगर किसी का बहुत ज़्यादा डार्कर है तो उस पर भी हमने रेड ब्राउन ही लेना है। तो अगर नाइजीरियन स्किन आपके पास आती है या यूरोपियन स्किन पे या एशियन स्किन पे कोई बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको रेड ब्राउन की ज़रूरत पड़ेगी। रेड ब्राउन से आप उसे मिनिमाइज़ करेंगे और फिर आपने ब्राउन थोड़ा ज़्यादा रखते हुए हल्का सा स्किन टोन उसमें मिक्स करना है और धीरे धीरे एक एक लेयर करते हुए आप उसे लिफ्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट फेयर नहीं करना है। तो पहले मैंने हल्का सा ब्राउन, पहले मैंने रेड ब्राउन लगाया जिसमें रेडिश ज़्यादा था, फिर मैंने सिर्फ ब्राउन लगाया, ब्राउन को मैंने लाइट करके लगाया। अब मैं इस पर धीरे धीरे स्किन कलर ऐड कर सकते हो। तो स्किन कलर बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग स्किन कलर तो देखिए ब्राउन भी है हमारा, पर हमें इनको फेयर करना है। तो हर कोई फेयर होना चाहता है तो फेयर करने के लिए आपको यहाँ पर येलो ब्राउन वाइट मिक्स करना पड़ेगा, जो हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क स्पॉट के लिए फेयर कलर होता है। तो डार्क स्पॉट पर आप इतना लाइट कलर भी लगाएंगे तो काफ़ी हद तक ये लिफ्ट हो जाएगा। अब देखेंगे तो उन लोगों को ज़्यादा फेयर होने का शौक नहीं होता है तो वो इतने बेस में भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी कि उनका ऑलरेडी बहुत ब्राउन टोन था तो उनको आप इतना बेस देंगे तो इतने में भी खुश हो जाते हैं। कैमोफ्लाजिंग या नेचुरल बेस चाहिए तो इतना भी फेयर कर सकते हो आप उन्हें। बट अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आपको और फेयर करना है एंड अगेन यही कलर आपको स्पॉट की तरह फेयर कॉम्प्लेक्शन पे दिख रहा है तो आप धीरे धीरे इसे लिफ्ट कर सकते हैं और फेयर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जहाँ तक आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन जा रहा है वहाँ तक आप इसे फेयर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने फेयर को अच्छे से वाइट के मतलब वाइट जो इनका पहले वाला बेस था उसमें वाइट मिक्स कर दिया और ये थोड़ा लाइट हो गया है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने ब्राउन स्पॉट को या डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वाइट हम और मिक्स कर लेते हैं और आइवरी टोन हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आइवरी टोन ही हमारी नेचुरल स्किन या डार्क स्पॉट पे इजीली जाता है बिकॉज इसमें वार्म टोन होता है, येलो रिफ्लेक्शन होता है। येलो रिफ्लेक्शन हमारी स्किन को काफ़ी हद तक वाइटिश दिखाता है। तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हम लोग हल्दी लगाते थे ब्राइट को, तो हल्दी लगाने से क्या होता था, ब्राइट फेयर नहीं होती थी बट उसका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता था या जो उसका पिगमेंट होते हैं ब्राउन पिगमेंट होते हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाते थे, जिसकी वजह से उनके फेस पे जो ब्राउन ग्रे इफेक्ट है वो नहीं दिखता। तो ये पेपर है, पेपर के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है बार बार, बट आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। हो मैंने प्रीवियस में भी जो एशियन स्किन पे दिखाया वो सेम स्किन हम सेम कॉन्सेप्ट हम यूरोपियन के लिए भी करेंगे। और फेयर करना है तो यहाँ पर मैं अब आइवरी बना रही हूँ क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इतना ब्राउन स्पॉट अगर हमारे फेयर कॉम्प्लेक्शन पे होता है तो हम उस ब्राउन स्पॉट को कैसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे, एक साथ लिफ्ट नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने आइवरी कलर ब्राउन स्पॉट पर लगा दिया है। तो नाउ यू कैन सी काफ़ी हद तक वो कवर हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि आपने एप्लीकेशन टेक्निक का भी ध्यान रखना, बहुत सॉफ्टली आप लेयर फॉर्म में लगाओगे तो बहुत अच्छे से वो कवर हो जाएगा। यहाँ पर मैं पिंक टोन के एरिया को भी हल्का सा
अपने आइवरी टोन जैसे कलर से हल्का मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि एक डेमो में आपको अपने हैंड के टैटू पे भी करके दिखा देती हूँ फ्लैश पैलेट के साथ क्या रिजल्ट आता है, सो दैट आप खुद डिसाइड कर सको कि आपको फ्लैश पैलेट रखना है नहीं। तो रेड और येलो मैंने मिक्स किया जो मेरा रेड ऑरेंज न्यूट्रलाइजर बन जाएगा और इससे मैं इसे न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। तो इसको बस मैंने सॉफ्टली, यहाँ पर मैंने प्राइमर और मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया हुआ है तो ये हो सकता है थोड़ा ड्राई फॉर्म में दिखे, बट अगर अच्छे से प्राइमर वगैरह लगाओगे तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। और यहाँ पर अब मैं इसे ब्राउन से कवर कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रियल स्किन पे भी हमने न्यूट्रलाइजिंग के बाद ब्राउन रखना है और इसे धीरे धीरे हम लिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ट्रांसी है ये क्योंकि ये हाई डेफिनेशन क्रीम है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट नहीं है इसका। तो उस पर हल्का सा पाउडर टैपिंग या लॉकिंग करके हम इस पर सेकेंड कोटिंग यानी कि फेयर कोटिंग कर सकते हैं। तो फेयर कलर बनाने के लिए यहाँ पर मैं वाइट के साथ इसको अच्छे से येलो मिला के आइवरी टोन बना लेती हूँ। पहले वही मीडियम हम डार्क बनाते हैं, बिल्कुल हमने फेयर नहीं देना पहले। तो पहले मैं ब्राउन के साथ ही वाइट और येलो को मिक्स कर लेती हूँ, तो ये मीडियम फेयर कलर हमारा बन जाएगा और इससे हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे। और आप चाहते हो कवरेज और अच्छा हो तो आप इसमें रेड और ऑरेंज और रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ा टैपिंग करते हुए इसे लगा रही हूँ और काफ़ी मेरी स्किन का नेचुरल कलर ये बन गया। मैं पूरे हैंड पे भी लगाऊंगी तो आप देख सकते हो ये मेरे नेचुरल स्किन कलर है। तो कवरेज की मैं बात करूँ तो कवरेज 100% तो नहीं मिलता आपको इसमें, डिपेंड करता है कि आप कितनी लेयर दे रहे हो, कितनी कोटिंग दे रहे हो। तो आपको तो ये मेरी सेकंड लेयर ही है, तो सेकंड लेयर में मेरे हिसाब से तो अगर आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहते हो स्किन के ऊपर तो बहुत अच्छी कवरेज आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने मेरे एक्चुअली फिंगर टिप पे सारे कलर मिक्स करके, तो कोई नहीं ये सब ब्लेंड होने के बाद एक नेचुरल कलर क्रिएट करेंगे। तो यू कैन सी मेरा जो हैंड का एक नेचुरल बेस यहाँ पर बन चुका है। तो इसको भी मैं पाउडर से एक बार लॉक कर लेती हूँ और काफ़ी हद तक मेरा जो टैटू है वो मिनिमाइज हो गया और हल्का हल्का हम इसे टैप कर। आपने देखा ब्लेंडर मेरा ड्राई है, अपने ब्लेंडर को वेट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्राई ब्लेंडर कई बार आपके बेस को हटा देता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने, अगर आप रियल स्किन पे काम कर रहे हो तो आपने ड्राई ब्लेंडर से काम नहीं करना है। तो यहाँ पर से मैं पाउडर लॉकिंग के लिए एक्चुअली ब्लेंडर को यूज़ कर रही थी, बट ये ड्राई होने की वजह से मेरे बेस को भी हिला रहा है। बट यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कलर पिगमेंट समझा रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ हल्का पाउडर लॉकिंग करके आपको दिखा रही हूँ, सो दैट आप जस्टिफाई कर पाओ कि आपको फ्लैश पैलेट से बेस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कवरेज तो बहुत अच्छा हो गया पर टैटू हल्का सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं एक कंसीलर बेस जिसमें मेरा तीनों ही जो डार्क ब्राउन कलर है, न्यूट्रलाइजर कलर है, तीनों ही मिक्स हैं और उससे मैं एक हल्का सा टैपिंग करके कवरेज क्रिएट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से तो ये मेरा 90-100% कवरेज क्रिएट हो गया है थर्ड लेयर में। तो ये मेरा तीसरा लेयर मैंने इस पर दिया है। तो तीन लेयर में आप आई मैजिक के पैलेट से भी अपना फेस पे कवरेज क्रिएट कर सकते हो, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी यूज़ करने के लिए रियल स्किन पे क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा क्रीम साइड में होता है तो ये समर वेदर है उस टाइम पे ये ऑक्सीडाइज हो जाए या ऑयली होने की वजह से स्किन से ये हट जाए। तो बेस्ट वे है कि आप इसे एज कंसीलर यूज़ करो और इसके ऊपर लिक्विड कवरेज, हाई कवरेज फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। तो होप दोस्तों आज की क्लास सबको अच्छी लगी हो, आपको काफ़ी कुछ किस में क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। आने वाली वीडियोज़ भी मैं आपके टॉपिक पे ही कवर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।